नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी के बारे में जिसको अगर आप देखना चाहते हो तो आपको अपने लॉजिक और सोचने समझने की शक्ति को साइड में रखकर देखना होगा, तभी आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। मतलब कि सीधी भाषा में कहे तो इस मूवी को देखने के लिए आपको अपना दिमाग खोपड़ी से निकाल कर थोड़ी देर के लिए अपनी जेब में रखना होगा। अगर इस मूवी को आप अपने दिमाग के साथ देखते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन नेटवर्क अस्तव्यस्त हो सकते हैं, आपके दिमाग की नसें फट सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अब हम मूवी पे आते हैं और इस बेहतरीन मूवी का नाम है जुड़वा, जिसमें दो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है प्रेम और दूसरा होता है राजा। किसी कारणवश वो बच्चे बचपन में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिमाग एक दूसरे से किसी अज्ञात नेटवर्क के जरिए जुड़ा रहता है। बाद में ये दोनों बड़े भी हो जाते हैं, पर किसी अज्ञात नेटवर्क के जरिए जुड़े होने के कारण अगर राजा कोई हरकत करता है तो प्रेम भी उसी वक्त उसी हरकत को करने लगता है, चाहे वो उस हरकत को करना चाहता हो या ना हो। जैसे कि अगर राजा किसी को चपाट मारता है तो उसी वक्त प्रेम भी किसी को चपाट मारने लगता है, और बहुत सारी चीज़ें वो दोनों एक जैसे ही करने लगते हैं। नहीं, अब आपको ख्याल आता होगा कि क्या रियल लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है। अब ज़रा सोचिए कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता तो क्या होता। दो जुड़वा बच्चों में से किसी एक को टट्टी लगती तो दूसरा भी टॉयलेट में चला जाता और सिर्फ पाद के वापस आ जाता। अगर कोई एक बच्चा पोर्न देख रहा है तो दूसरे का भी उसी वक्त खड़ा होने लगता। और भी इन दोनों के साथ क्या क्या हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, और ये टॉपिक ये है कि ऐसे कई सारे केस सामने आए हैं जिसमें दो जुड़वा बच्चों की लाइफ एकदम सेम हो, मानो कि वो एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी हो। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जुड़वा लोगों के बारे में। तो भैया, सबसे पहले बात करते हैं जिम स्प्रिंजर और जिम लुइस के बारे में। ये दो जुड़वा भाई हैं और ठीक जुड़वा मूवी की तरह ही एक दूसरे से बचपन में ही अलग हो जाते हैं। सो सैड। इन दोनों की परवरिश एकदम ही अलग अलग परिवार में होती है, लेकिन एक बार एक्सीडेंटली वो दोनों मिलते हैं तब उनकी एज होती है 39 ईयर। इतने सालों में ये लोग पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इन लोगों की जिंदगी की सिमिलैरिटीज देखकर वो दोनों और बाकी सब लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। ये सिमिलैरिटीज कुछ इस तरह थी कि दोनों की दो दो शादियां हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो कई लोगों की होती है। चलो ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि दोनों की दो दो शादियां हुई, लेकिन दोनों की पहली पत्नी का नाम था लिंडा। अब आप ये भी सोच लेंगे कि ये भी कोइंसिडेंटली हो गया होगा। इन दोनों की दोनों लिंडा से कुछ खास जमती नहीं थी, तो उसके बाद उन दोनों का तलाक हो गया। फिर दोनों ने वापस शादी कर ली और इस बार भी लड़की का नाम सेम था। दोनों के दो दो बच्चे भी हुए और उन दोनों बच्चों का नाम भी सेम होते हैं। इसके बाद उनको और सवाल पूछने पर पता चला कि दोनों को कार भी सेम मॉडल की और सेम कलर की पसंद थी। दोनों ने एक कुत्ता पाल रखा था और उस कुत्ते का नाम दोनों ने टॉय रखा था। मतलब कि यार, इन्होंने तो कॉपी पेस्ट की हद ही पार कर दी थी। कोई बच्चा भी एग्जाम में इतनी कॉपी नहीं करता जितना इन्होंने एक दूसरे की लाइफ से कॉपी किया हुआ था। इसके बाद तो ये दोनों भाई रिसर्च का विषय बन चुके थे, क्योंकि दो जुड़वा बच्चों में कोई फिजिकल सिमिलरिटी होना वो तो आम बात है, लेकिन इस हद तक मेंटल सिमिलरिटी होना ये कोई आम बात नहीं थी। तो भाई, ये बात तो सच है कि कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मेंटली कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुड़वा मूवी की तरह एक भाई किसी को पीटेगा तो दूसरा भी पीटने लगेगा। कई सारे केस ऐसे भी सामने आए थे कि जुड़वा बच्चों में से किसी अगर एक को चोट लगती तो दूसरे को भी थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता। तो अब हम मान सकते हैं कि इस मूवी में दिखाई गई कुछ चीज़ें तो रियल में हो सकती हैं। अब लास्ट में मैं ऐसे लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम दोनों को सेम ही लाइफ जीनी थी तो तुम लोग दो क्यों हुए, कोई यार एक ही हो जाता। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप भी किसी ऐसे जुड़वा के बारे में जानते हैं जो कि दोनों सेम लाइफ जी रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।